ठीक है, ख्वातीन बहुत अच्छा। हजरात, अभी रिसेंटली हमने देखा कि इंडिया में बाबरी मस्जिद के बारे में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उसको सारी दुनिया में जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बहुत ही गैर मुनासब और अनजस्टिफाइड और गैर गैर कानूनी, बल्कि मैं अगर कहूँ तो ये मुनासिब होगा जो फैसला उन्होंने दिया। तो इसके बारे में भी बात करेंगे कि उसकी क्या सिचुएशन है और जो इंडियन मुसलमान हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके साथ साथ अभी रिसेंटली लास्ट वीक हमने देखा कि नॉर्वे में, जो कि अगेन इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन नॉर्वे में एक आज़ादी के नाम पे उन्होंने कुरान को नज़रियातिश किया, जो मुसलमानों के जज्बात मुश्तिल हुए। कुरान जलाने वाले को उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जिस वक्त उसको रोकने की कोशिश की कुछ मुसलमानों ने, तो उनको रोकने के लिए पुलिस फौरन हरकत में आ गई। वहां पे रहने वाले मुसलमानों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इस्लामी नुक्ता नज़र से, उनको कानून को फॉलो करना चाहिए या अपने जज्बात के उसको आवाज़ पे लब्बैक कहना चाहिए। मुफ्ती साहब से बात करते हैं। मुफ्ती साहब, ये दोनों रिलेटेड सिचुएशंस हैं, मुसलमानों के जज्बात मुश्तिल हैं, अब उनको लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करना चाहिए और सब्र करना चाहिए, या उनको अपना इश्क और अपना प्यार और अपना जो रिलीजियस कमिटमेंट और जो डिवोशन है उसको शो करते हुए रिटेलिएट करना चाहिए? बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। ये अच्छा टॉपिक है। ये दूसरा भी बाबरी मस्जिद के हवाले से पहले मैं बात करूंगा कि बाबरी मस्जिद के हवाले से जो मुसलमानों को आज ये जो फेस करना पड़ रहा है, और 25 साल के बाद के इंतज़ार के बाद आज फैसला जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ आ गया और उसको मंदर करार दे दिया गया, तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी बुनियादी वजह यह है, ये हिंदुस्तान के मुसलमानों का अदम इत्तेहाद है, अदम इत्तेहाद। और हिंदुस्तान के मुसलमानों के अदम इत्तेहाद की बुनियाद जो है वो दीन नहीं है, दीन की वजह से नहीं है। अगर दीन की वजह होती तो तबलीगी जमात के अंदर वह इख्तलाफ ना होता, क्योंकि तबलीगी जमात के अंदर वहाँ इस वक्त इख्तलाफ हुआ। एक जो है वह मौलाना साद साहब के साथ एक जमात का हिस्सा है, एक शुराई, तो गोया कि सादानी और शुराई दो ग्रुप बन गए। तो ये जो है कि दोनों दीनदार, दोनों अल्लाह के वली हैं, तो मालूम है कि इस इत्तेहाद अदम इत्तेहाद का ताल्लुक दीन के साथ नहीं। अगर दीन के साथ होता कि दीनदार हो जाएं तो इत्तेहाद हो जाएगा, ये दोनों दीनदार इत्तेहाद क्यों नहीं हो रहा? मालूम ही हुआ इसका ताल्लुक अक्ल व हिकमत के साथ है, अक्ल व हिकमत के साथ इसका ताल्लुक है। अक्ल व हिकमत को इंसान जब इस्तेमाल करता है तो उसको पता होता है कि मैं किस जमीन सरजमीन पे, किस खित्ते पे खड़े होके मैं इख्तलाफ कर रहा हूं, मेरे सामने कौन दुश्मन है कि जिससे मैं इख्तलाफ कर रहा हूं। तो जब ये अक्ल व हिकमत अगर वहां के मुसलमान इख्तियार करें, उनको पता चल जाएगा कि हम हिंदुस्तान की सरजमीन में खड़े हैं, एक बड़ी अकलियत की हैसियत से खड़े हैं, और यहां एक हिंदू बनिया जो है ये हमारे ऊपर हाकिम है, लिहाजा यहाँ पर हमारा इख्तलाफ जो है ये हमारी नस्लों को बर्बाद कर देगा और हमारी हैसियत को फना कर देगा। ये अकल और हिकमत को सबक देती। और फिर सामने हमारा जो दुश्मन है वो हिंदू दुश्मन है, जो है वहां ना सिर्फ मुसलमान बल्कि किसी भी अकलियत को तस्लीम करने के तैयार नहीं है, और इंतहा पसंद हिंदू के साथ हमारा जो है मुकाबला है, लिहाजा हम सबको एक हो जाना चाहिए। लेकिन नतीजा ये कि आप देख रहे हैं कि बाबरी मस्जिद के हवाले से भी मुसलमानों की तंजीमों के अंदर जो है वो तहफ़ुज़ात मौजूद थे, कोई कहते यार कोई बात नहीं जाने दो, यहाँ तक कि जब फैसला हो गया, फैसला होने के बाद बहुत से दीनी हलकों ने ये कह दिया यार कोई बात नहीं, 5 एकड़ जो ज़मीन मिल रही है वो ले लो और उसके ऊपर मस्जिद बना लो, लिहाजा वो छोड़ दो, बस अब वो झगड़े में ना पड़ो। और बात कह रहे हैं कि ये फैसला जो आया सुप्रीम कोर्ट का ये हमें समझ से बालातर है। सुप्रीम कोर्ट इस बात को भी मान रही है कि यहां मंदिर नहीं था, जो शवायद मिले यहां मंदिर नहीं था, जब मंदिर नहीं था तो मस्जिद थी, तो जब मस्जिद थी तो फिर आप मस्जिद को तस्लीम करें। नतीजा ये कि वो फैसला अकल के खिलाफ, लिहाजा वो उन तबकों ने यह इजहार किया और बाद तबकों ने कहा कि नहीं अब हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम जो है इसको अपील करेंगे, हम इस लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे। तो मालूम है कि देखो मैं हमेशा कहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान उस वक्त तक इज्जत और वकार की जिंदगी नहीं गुजार सकता जब तक ये मुत्तहिद नहीं होगा। इत्तेहाद बहुत जरूरी है, यूनिटी, किसी भी मौके पे यूनिटी हो, पाकिस्तान के साथ मिलकर चलना है आपको, इंडिया के साथ मिलकर चलना है, किसके मौके के साथ चलना है। मैंने ये कश्मीर के बारे में ये बात कही थी कि कश्मीर के मौके में आप पाकिस्तान के साथ हैं या इंडिया के साथ हैं, इंडिया के साथ हो तो सारे हों, पाकिस्तान के साथ हो तो सारे हों, क्योंकि इस ये यूनिटी जो होगी ये आपको सेफ करेगी। लेकिन आपकी हालत ये है कि आप क्या कि इंतजार का शिकार है, यहाँ तक कि बाबरी मस्जिद का फैसला होने के बाद वो बड़े बड़े जो है वो बहुत से दीनदार उलमा ने तंजीमों ने ये कह दिया यार कोई बात नहीं ठीक है बस छोड़ो इसको अब नई मस्जिद बना के उसके काम करो। लेकिन वह हमें जरूरत ही क्या है, बात असल में जरूरत की नहीं, बात शौकत की है।
بات ضرورت کی نہیں شوکت کی ہے کہ اسلام کی شوکت جو ہے یہاں پر متاثر ہو رہی ہے، اسلام کی شوکت متاثر ہو رہی ہے، اور جہاں شوکت اسلام اور شاعر اسلام کا معاملہ ہو تو وہاں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر ایک جگہ آپ نے اذان دی اور اذان دی اور اذان آپ مکمل نہیں کر سکے اور آپ کو دشمن نے قتل کر دیا، اب یہ اس اذان کا مکمل ہونا یہ کیا بن گیا؟ یہ شاعر اسلام کا حصہ بن گیا۔ اب دوسرے مسلمان کو کھڑے ہو کو اس کو مکمل کرنی چاہیے، یہ کہہ کے نہیں چھوڑنا یار سنتی تو ہے اذان، چلو چھوڑو خام کو دشمن کی گولیاں لگ رہی ہیں اذان کے بغیر نماز پڑھ لیتے ہیں کون سا فرض ہے، نہیں اب آپ کا مشن بن گیا، اب وہ جو شاعر اسلام کا حصہ بن گیا، اب آپ کو شہادتیں بھلے ہوتی چلے جائیں لیکن آپ اذان اپنی مکمل کریں۔ چاہے آپ جانتے ہیں قومی اتحاد کی تحریک میں جو کرفیو لگا تھا اور اذان مؤذن نے دی تو جناب وہ شہید ہوتے چلے گئے، شہید ہوتے چلے گئے، لیکن ان سارے شہداء اذان مکمل کی، اذان مکمل کی، بڑے بڑے اس میں واقعات۔ تو اسی طریقے سے یہاں بابری مسجد کا جو فیصلہ ہوا، یا آپ ضرورت کی بات نہ کریں کہ ہمیں ضرورت کے لیے مسجد کی جگہ مل گئی ہے، نہیں یہ بات غلط ہے آپ کی، اس بات ضرورت کی نہیں، بات شوکت ہے اسلام کی، شوکت کی ہے، اس اسلام کی شوکت متاثر ہو رہی ہے اور پھر بالکل ایک غیر منصفانہ طریقے سے ہو رہی ہے، لہذا آپ کو بالکل احتجاج کرنا چاہیے۔ اب جو بھی ڈیموکریٹ کی طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپیل کریں، سپریم کورٹ کے اندر اپیل کریں اور مقدمے کو لڑیں اور ساری تنظیمیں یونائٹ ہو کر اس کے لیے مالی وسائل بھی مہیا کر کے پورا وکیلوں کا ایک پینل بنا کے کریں، بلکہ میں تو اسے بڑھ کے مشورہ دیتا ہوں کہ یہ لوگ سپریم کورٹ میں اپیل ڈالنے کے ساتھ ساتھ یہ عالمی عدالت کے اندر مقدمہ ڈالیں، ورلڈ کورٹ کے اندر مقدمہ ڈالیں کہ یہ کتنی بڑی اسٹریٹجی ٹریجڈی ہو رہی ہے کہ کتنے سو سال پہلے کی بنی ہوئی جو مسجد تھی آج اس کو مندر کہہ کے گرایا جا رہا ہے، تو یہ عالمی عدالت میں کیس ڈال دیں، عالمی عدالت اس کو انالائز کرے، اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو انالائز کرے، کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو لوگ پڑھنے والے دیکھ کے یہ کہتے ہیں کہ یار سپریم کورٹ مان رہی ہے کہ یہاں مندر نہیں تھا، وہاں جو دیوار نیچے نکلی وہ مندر کی دیوار نہیں تھی، تو لہٰذا جب نہیں تھی تو مسجد بنی ہے، جب مسجد بنی ہے تو آپ کو مندر میں تبدیل کرنے کا کیسے حق پہنچ گیا؟ تو اس لیے اس وقت مسلمانوں کو وہاں یہ کرنا چاہیے کہ ورلڈ کورٹ کے اندر مقدمے کو دائر کریں اور اس کو مقدمے کو لڑیں، اس کو گیو اپ نہ کریں یہ سوچ کے، کیونکہ ورنہ آج اگر آپ نے گیو اپ کر دیا پھر آپ اپنے کل تاج محل کے بارے میں بھی توقع رکھیں، آپ کا تاج محل گرایا جائے گا، آپ کے مسلمانوں کے جتنے آثار قدیمہ ہیں وہ باری باری گرائے جائیں گے، اس لیے آج ہی آپ سٹینڈ لے لیں اللہ کے گھر کے لیے، انشاءاللہ وہ ان کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، انشاءاللہ جی۔